वैसे भाइयों वंस अगेन पोको F5 पर आज अपन BGMI गेम प्ले टेस्ट करेंगे मेन हॉट ड्रॉप सर्कल पर। तो ये रहे डिवाइस के ग्राफिक, स्मूथ में एक्सट्रीम से लेकर डिवाइस अल्ट्रा HD तक ग्राफिक्स को सपोर्ट करता है। तो इस डिवाइस के ग्राफिक को अपन स्मूथ में एक्सट्रीम करके कलरफुल 2x करके सेव करते हैं और खेलते हैं BGMI का रस गेम प्ले, जहां पर आपको डिवाइस की परफॉर्मेंस पता चलेगी। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। वैसे भाइयों तुम्हारा भाई करने वाला है 20 के YouTube फैमिली कंप्लीट होने पर 3 स्मार्टफोन का गिव अवे, जो कि आपको डिस्प्ले पर नजर आ रहा होगा। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, कमेंट्स करना कंपलसरी है और साथ ही साथ Scam47 गेमिंग के इंस्टाग्राम अकाउंट को जरूर फॉलो कीजिएगा। सो भाइयों पोको F5 को लेकर मैं सीधे उतर गया जॉर्ज पुल हॉट ड्रॉप और यहाँ पर लूट का सर्कल बना हुआ है। देखिए आगे गजब सीन, यहाँ पर तो बंदे ही नहीं आए। मेरे हिसाब से ये बंदे पीछे वाले वेयरहाउस पर है। जी हाँ, मुझे एक बंदे का साउंड आया और मेरे हिसाब से ये बंदा कैंपर है। ये बैठा देखिए, इसके बाद ये नॉक, सीधे फिनिश। वैसे इस डिवाइस में आपको स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 2 का प्रोसेसर मिलता है, जिसकी परफॉर्मेंस लाइक स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 के बराबर है। ये रहा मैच का दूसरा कैंपर, ये कैंपर नॉक और यहाँ से आगे कैंपर फिनिश। यहाँ से आगे बात करते अपन डिवाइस के अंतुतु स्कोर की। वैसे इस डिवाइस का अंतुतु स्कोर समथिंग 9,50,000 से ऊपर आता है। गजब सीन, टॉवर का कैंपर, ये नॉक, एक और बंदा है। ये बंदा तो वेयरहाउस के ऊपर है। ये रहा बंदा, ये भाई सब नॉक। यहाँ से आगे एक और बंदा है। जी हाँ, मुझे फिर से की साउंड आया, लेकिन भाई साहब ये बंदा थोड़ा सा डर गया था। देखिए इस बंदे ने चिमनी चुमनी खींचा और मैंने ग्रेनेड, लेकिन उस बंदे ने खुद के ऊपर चिमनी चुमनी फेंक लिया था। वाह क्या सीन है। कोई दिक्कत है नहीं, ग्रेनेड फेंकने के बाद यहाँ से आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद ये नॉक। वैसे भाई लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं इस डिवाइस में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हुए गेम प्ले को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस डिवाइस में गेम प्ले को रिकॉर्ड करने पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा। गजब सीन, मेरे दोनों तरफ कैंपर, एक कैंपर कंटेनर के पीछे, दूसरा कैंपर वेयरहाउस के अंदर। यहाँ पर अपने भाई को रिवाइव देता हूँ मैं, लेकिन भाई साहब ये कैंपर दिखा, ये नॉक। यहाँ से आगे मात्र एक कैंपर बचा हुआ है, सो कोई दिक्कत है नहीं। और वैसे भी मेरे हिसाब से मैं इस मैच पर, जी हाँ, बहुत ज़्यादा गलत आ गया हूँ, क्योंकि इस मैच पर पूरे बंदे कैंपर हैं। जी हाँ, देखिए जब से मैंने इस मैच को चालू किया हूँ तब से मैंने सिर्फ कैंपर ही कैंपर मारा हूँ। बात तो सही है। और यहाँ पर एक और कैंपर, नहीं ये तो बोट है, ये नॉक फिनिश। वैसे पोको F5 इस टाइम पर अंडर 30 के आने वाला सबसे बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन है, क्योंकि इस डिवाइस में स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 2 का 5G चिपसेट मिलता है, जिसकी परफॉर्मेंस लाइक स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 के बराबर है। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 जितने भी फोनों पर आता है सभी का प्राइस रेंज समथिंग 40,000 से ऊपर आता है। मीन्स ये डिवाइस अंडर 30 के आने वाला सबसे बेस्ट फोन है। वैसे इस घर पर एक कैंपर बैठा है, शॉटगन बाज कैंपर, और इस कैंपर के लिए मैंने चिमनी चुमनी फेंका, उसके बाद ग्रेनेड, लेकिन ये बंदा मरता नहीं है, अंबुजा सीमेंट खा के आया इसने। गजब सीन, शॉटगन बाजी, ये बंदा नॉक फिनिश। तो भाई साहब मेरे हिसाब किताब से यहाँ पर बंदे समथिंग खत्म हो चुके हैं, लेकिन एक बोट, ये बोट है गारंटी 100%, ये बोट फिनिश। यहाँ से आगे एक भाई गाड़ी उठा रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। स्प्रे, किसी बंदे ने स्प्रे मारा। यहाँ से कुछ देर बाद ये बंदा नजर आया मेरे को, देखिए ये बंदा स्नाइपर टॉवर पर बैठ के VSS खेल रहा था। भाई साहब सीधे फिनिश। तो यहाँ से बंदों की पेटी लूटने के बाद सीधे चलते अपन जोन के अंदर। यहाँ पर देखिए, जब मैं जोन के अंदर जा रहा था तो एक बग्गीबाज ओपन पर खड़े होके स्प्रेबाजी कर रहा था, ये बंदा सीधे फिनिश। देखते इसके पास क्या है,
बहुत सारी लूट। इस बग्गीबाज को लूटने के बाद सीधे चलते हैं जोन के अंदर। गजब सीन, एक और बंदा दिखा ओपन पर। वैसे तो इस जगह के आसपास ड्रॉप गिरा था, मेरे हिसाब किताब से इस बंदे ने ड्रॉप को लूट लिया होगा। देखते इसके पास कौन सी गन है। यूजी, ये बंदा तो यूजी चला रहा था। तो भाई साहब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डिवाइस पर मैंने ऊपर की ओर ग्रीन कलर से पीस मीटर को चालू करके रखा हूँ, जो कि आपको डिवाइस की परफॉर्मेंस को बताएगा। और एक और चीज पर ध्यान दीजिएगा, BGMI पर इस टाइम पर कोई भी अपडेट है नहीं, लेकिन भाई साहब डिवाइस की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी है। देखिए मेरे सामने एक गाड़ी पर चारों बंदे, स्प्रे बच्ची पर एक बंदा, नौ अभी भी गाड़ी पर तीन बंदे हैं, एक और बंदा नौ यहां से आगे, एक बंदा बस बचा है मेरे साथ से। ये रहा बंदा, गजब सीन। अरे मैं नॉक, देन लास्ट में हमारे भाई ने गन मशीन बाज की पेटी बना दिए। यहाँ पर मैं सुकून के साथ रिवाइव होऊंगा। रिवाइव होने के बाद बंदों की पेटियां लूट रहा था मैं। देखिए किसी M24 बाज ने हमारे एक भाई को नॉक कर दिया। ये बंदा है कहाँ पर, ये दिखा, ये नॉक, एक और बंदा उसके पीछे, ये भी नॉक। तो देखिए आप इस डिवाइस की परफॉर्मेंस, मैं सुबेरे से इस डिवाइस पर गेमिंग कर रहा हूँ बहुत देर से, मींस ये तीसरा घंटा चल रहा समथिंग। डिवाइस में गेम प्ले तो चल ही रहा है, साथ ही साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग पूरी तरीके से होने। देखिए एक भाई गाड़ी पर बैठे नहीं थे और सामने की ओर पर मेरे हिसाब से मात्र दो बंदे थे जो कि दोनों नॉक हैं। गजब सीन, ये तीसरा बंदा, ये भी नॉक। जी हाँ, लेकिन भाई साहब लगता है हमारे भाई को बंदा नजर नहीं आया। गजब सीन, एक और बंदा अंदर, और यहाँ पर एक और बार गजब सीन, बड़ा हरामी हो, एक और बंदा था। ये कितने बंदे यहाँ पर, ये बंदे साले टीम अप करके खेल रहे हैं यहाँ पर, क्या मैं बच पाऊंगा, देखते हैं। यहाँ पर हमारे दूसरे नंबर वाले भाई बहुत ज्यादा तेजी के साथ आ रहे हैं, लेकिन उनसे ज्यादा तेज मेरी HP खत्म हो गई, पेटी बन गई मेरी। देखते हैं यहाँ से आगे, इन बंदों के ऊपर चिमनी चुमनी फेंको। जी हाँ अंदर, गजब सीन, पैसा बर्बाद पहन चोर। ये तो बाहर फेंक रहे हैं, और यहाँ पर सीधे फिनिश। इन गजब खतरनाक चारों बंदों ने एक छोटे से घर के पास कैंपिंग करके रखे थे, समझ में नहीं, कंट्रोल, इसीलिए पेटी बन गई मेरी। जी हाँ बहाना। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।